satu terakhir semuanya. Allah dengan jalan buka. Sudah kasih kamu. Terus saya dikasih kemarin mahfilnya. Sehingga kita ada di dalam rumah. Yo, yang akan berbaris di jalan masjid di kami berasal dari dunia dan kami dari mana ketiga. Allah jaga jalan dunia. Isahadat men. Isahadat ini di utopi kita berbaik. Allah subhanahu wa ta'ala kau ber minta bisa berdasi yang baik. Ya Allah jaga jalan dunia. इनाम करम है कि वो किसी भी शख्स को अपने घर की तामीर के लिए मुंतखब फरमा ले या उस घर की तामीर में किसी भी तरह हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह के रहमानों का महज फजल और करम है। अभी जो आयत है मौलाना हनीफ साहब ने तिलावत की थी वो रजी अल्लाह के इब्राहिम और तबा के बैत की मुस्तमानी अल्लाह ने लालू है उस मंदिर का तसव्वुर करने की दावत दी है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे वो मंदिर अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि उसका तसव्वुर करने की दावत दी। मैंने दिया यानी उस वक्त को याद करो उस वक्त का तसव्वुर करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे और बुनियादें उठाने के साथ जो खास तौर पर जो चीज जिस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया वो हम सब लोगों के लिए अजीब सबक है। अल्लाह तबारक व तआला को जो आदत पसंद आई हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहि सलाम वो आदत ये कि इतना अजीम शान कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि अल्लाह का घर तामीर हो वो घर जिसको कुरान करीम में फरमाया कि वखाफत लिज़्ज़ालिल बैत वखाफत लिन्नास व अमना ये वो घर है जहां लोग लौट लौट कर बार बार जाएंगे। ये वो घर है जिसके बारे में यह दुआ फरमाई थी कि अल्लाह लोगों के दिलों को ऐसा बना दे कि इसकी तरफ खिंच खिंच कर लोग जाए। वो अपनी शान घर तामीर फरमा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना अभी नुकसान कारनामा अंजाम दे रहे हैं लेकिन जबान पर जो कलिमात है वो यह है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस अभी नुकसान कारनामे पर कोई गर्दन आगनी हुई नहीं है कोई सीना तना हुआ नहीं है कोई उज्ज और तकब्बुर का शायबा नहीं है बल्कि अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में सर झुकाकर ये फरमा रहे हैं कि मेरे हमारे परवरदिगार हमसे इस खिदमत को अपने फज़्ल और करम से कबूल फरमा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सबक ये दिया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला को यही अता पसंद है कि जिस किसी नए काम की तौफीक हो जाए वो अल्लाह जल्ला जलालहू की तौफीक है वो कोई इतराने की बात नहीं वो कोई अकड़ने की बात नहीं तकब्बुर करने की बात नहीं अल्लाह जल्ला जलालहू के की तौफीक पर शुक्र अदा करने का मौका है और अल्लाह तबारक व तआला के लिए मांगने का मौका है कि हमारे परवरदिगार हमसे कबूल कर और फिर दूसरी दुआ ये फरमाई कि रब्बना वजअलना मुस्लिमीन बैतुल्लाह को हमने तामीर कर दिया आपकी तौफीक से तामीर किया लेकिन आगे जो चीज मतलूब है वो ये कि हम आपके ताबेदार हैं
बदलना मुश्किल नहीं है। हम भी चाहते हैं आप बदलें, वो भी दूर नहीं है कि ना उम्मत का मुश्किल है बदला। हमारे औलाद के लिए ऐसी कौन पैदा हो ऐसा मुसाफिर की चाहते थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो रादा पूछा जा रही है वो ये कि तामीर मस्जिद के ऊपर कोई फर्ज वजूद का सायदा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकाकर पहले तो ये दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह कबूल फरमाए, और दूसरी दुआ ये मांगी जा रही है कि अल्लाह हमें अपना ताबेदार बनाए। तो मस्जिद बेशक एक अजीम नेमत है और उसमें हिस्सा लेना बहुत बड़ी शहादत है, लेकिन असल शहादत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उन मस्जिदों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला अपना ताबेदार बनाने की तौफीक अता फरमाए। यह है असल चीज। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में मस्जिद की तामीर के लिए जिस फरियादी के साथ और फुलदिली के साथ लोगों ने बढ़ कर मानी मुआवजत की है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नियतों को उनके अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर बनाए। यह कुल इस बात की अलामत है कि इंशाअल्लाह लोगों के दिल इसकी तरफ मायल होंगे, और उन सबको भी ये दुआ करनी चाहिए कि रब्बाना तक़बलना इन्ना तक़बलना कि अल्लाह हमसे ये खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और सही के रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लक अल्लाह हमें अपना ताबेदार बना ले। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुखलिसाना इस कोशिश को अपनी बारगाह में सदर कबूल अता फरमाए। यहां की बात मैं अर्ज करता हूं कि मस्जिद की तामीर हो या कोई और कार्य खैर हो, जरूरी नहीं कि उसमें बड़ी रकम दी जाए तो भी अल्लाह तबारक व तआला के यहां कबूल हो, बल्कि हर शख्स अपनी मकदूर के मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा सा भी चंदा देगा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहां उसकी बड़ी कदर है। खुलूस के साथ एक रुपया भी देगा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहां उसकी बड़ी कीमत है, और अल्लाह के बजाय अगर दिखावे की तरफ से दे तो बड़े से बड़े रकमों की कोई हैसियत नहीं। मेरे वाले वाले अब्दुल मौलाना हफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये फरमाया करते थे कि मुझे उन गुमनाम लोगों के तरफों से बड़ी नफरत होती है जो कोई आकर एक रुपया दे जाता है, कोई आकर दो रुपये दे जाता है, कोई दस रुपये दे जाता है, और मैं उसकी उसके इंतजार में ज्यादा रहा कि जो कम आमदनी वाले हो अपना एक कार्य अगर एक रुपया भी देते हैं तो उसमें जो बरकत है उसमें जो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी जो कदर कीमत रखी है वो ऐसी है कि बड़े बड़े रकमें भी उसके आगे है। लिहाजा बात रकमों की बड़े होने या कम होने की नहीं है, एक रुपया भी अगर अल्लाह को राजी करने के लिए है, अल्लाह तबारक तआला की खुशनूदी हासिल करने के लिए, आखिरत में अपना सवाब हासिल करने के लिए एक रुपया भी दिया जाए तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बड़ा कदर की मदद रखता है। और यही हकीकत हमारे 47 और 47 की रूह है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले के खिलाफ के साथ देते हैं, चाहे वो कम रकम देने वाले हो चाहे बड़ी रकम देने वाले हो, अल्लाह तबारक तआला की फजल व करम से इखलास के साथ देते हैं, और अल्लाह तबारक तआला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाते हैं और उसमें बरकत अता फरमाते हैं। मौलाना हाफिज़ साहब ने सही कहा कि लोग हमसे पूछते हैं और सारे मदरसों वालों से पूछते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं जो इतनी इमारतें तामीर कर लेते हैं, कोई कहता है गवर्नमेंट से होगी, कोई कहता है बड़े सरमायदार से होंगे, कोई कुछ गुमान करता है कोई कुछ और गुमान करता है, लेकिन वाकई ये है कि जब मुझसे कोई पूछता है कि कहाँ से आते हैं तो मेरा जवाब होता है मुझे पता नहीं कहाँ,
इसके बराबर तो आदत नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तआला ने अपना नायक बनाकर उसकी उस पर इबादत के लिए मुकद्दम फरमाया है। और यही वो जज्बा है कि जो अल्लाह तआला आम मुसलमानों के दिल में पैदा करते हैं और उसके नतीजे में अल्लाह तआला जज्बा करते हैं। ये दीनी खिदमत का ये सिलसिला जारी है, सारी है और इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगा। तो अल्लाह तआला की बारगाह में खुलूस के साथ उसकी उसके घर की तामीर के लिए जो कोई भी तआवुन किया जाएगा इंशाअल्लाह तआला के यहां मकबूल होगा। फिर ये कि मस्जिद की तामीर सिर्फ पत्थरों से और सीमेंट से और बजरी से नहीं, मस्जिद की तामीर तरक्की का अल्लाह तआला की इबादत से है, उसके जिक्र से है, उसकी फिक्र से है, उसके दीन की तालीम से है, उसके दीन की दावत से है। तो इस मस्जिद को आबाद करना और इसमें सिर्फ चंदा देकर पारित हो जाना नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह तआला ताला के दीन की खिदमत के लिए एक मरकज बनाने की कोशिश यहां पर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख मस्जिद की इस मरकजियत के वाकया इसलिए पड़ी है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तआला अपने फजल करम से इस मस्जिद को अपने इबादत और जिक्र का अपने दीन की दावत का मरकज बनाए और इस पर जिन जिन लोगों ने कोई हिस्सा लिया है, चाहे वो अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए हो या बड़ा का फिक्र के जरिए हो या अपने माली तआवुन के जरिए हो, अल्लाह तआला उनको बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में अता फरमाए और इसकी तामीर को आखिर के साथ जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाए। और जिन मकासद के लिए तामीर हो रही है उन मकासद में भी कामयाबी अता फरमाए। इन अल्फाज के साथ इस दुआ के साथ मैं आप हज़रात से रुख्सत होता हूँ क्योंकि मेरा सफर तैयार है। अल्लाह तआला